इसके भाई 3.5 लाख। 3.5 लाख वाले इसके 4 लाख। 4 लाख 20 लाख। 20 लाख। हाँ तो लड़कों क्या हाल है, पता तो चल गया होगा कि मंडी लग गई है। मंडी कहाँ लगी है ये भी मैं तुम्हें बता दूंगा, लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, गूगल मैप का, उसको फॉलो करो, डायरेक्ट मंडी पे ही तुम पहुँचोगे। ठीक है, मंडी आ रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान में रखना बात कि अगर तो तुम यहाँ पे माल लेने आ रहे हो, जानवर लेने आ रहे हो तो नहीं आना, घूमने आ रहे हो तो घूमो फिरो, जानवर देखो, पर जानवर यहाँ से नहीं लेना। पहली वजह यह है कि अगर तुम बाहर लूटने से बच गए तो अंदर वाले तुम्हें लूट लेंगे और दबा के लूटेंगे, क्योंकि गलती कुछ हमारी भी है। सही है, पहली वजह तो यह है कि पहला ट्रक जब आ रहा था तो इतनी हाइप क्रिएट कर दी थी और कुछ यूट्यूबर ब्लॉगर्स वगैरह मंडी में आ गए थे और रफाकत भाई हैं कोई, उनको इतना इन कर दिया था मार्केट में कि भाई पहला ट्रक वो ला रहे हैं, और ऐसा क्रिएट कर दिया था उन्होंने हाइप लोगों ने कि जब एक दो दिन बाद उन्होंने रेट खोले रफाकत ने, तो हल्के से हल्का जानवर भी उनका तकरीबन कोई 3-3.5 लाख रुपए का हल्के से हल्का जानवर जो था, मेरे ख्याल से कोई 2-2.5 मन का जानवर होगा, 3-3.5 लाख का वो उनका जानवर था। और मार्केट में भी अभी यही सिचुएशन है कि हल्के से हल्का जो जानवर है ना यहाँ का भाई, वो स्टार्ट ही आपका 3 लाख रुपए से हो रहा है। जोड़ तोड़ कर तो तकरीबन कोई तुम्हारा ये बैठेगा 1.5 लाख रुपए तक का। तो इससे अच्छा है कि तुम भाई जो आसपास तुम्हारी मंडी लगी हुई है, मलिर हो गई और लांडी में एक लगी हुई है मंडी, ठीक है, भैंस कॉलोनी हो गया, तो ये जो छोटी मोटी मंडी जो लगी हुई है अपने इलाकों में, वहाँ से तुम ले लो, वो बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर यहाँ से तुम जानवर उठा भी लेते हो ना तो किराया तुम्हें मार देगा। सही है, ये समझ लो कराची का एंड है। सही है, नारडन बाईपास जो है बहुत दूर है कराची से, ठीक है, और कराची में तो आता है लेकिन बात वही है, कराची से दूर है, शहर से दूर है, और यहाँ से अगर कोई गाड़ी वाला जाता भी है ना शहर में इंटर भी होता है तो उसके कम से कम भी आपसे 6-7 हज़ार रुपये लेगा गाड़ी के। तो खैर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ यहाँ के रेट भी, तो मैं शेयर करता हूँ गाड़ी वगैरह के और जानवर के, ये रेट मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हें खुद ही आइडिया हो जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट की सिचुएशन क्या है यहाँ की। तो घूमते मंडी और देखते हैं क्या सीन है। क्या बोल रहे हो इसके? 20 लाख। 20 लाख। हाँ सलाम वालेकुम, क्या बोल रहे हो भाई इसके? इसके क्या कह रहे हो? 50। 1.50। ये है 1.50 का। वाले क्या? 1.50। 1.30 तुम्हारा है? क्या कह रहे हो लड़के इसका? कितना? 4.5 लाख। और ये वाला? 6 लाख। कितने? कितने बोल रहे हो? 5.5। 5.5 लाख। और ये? 4.5 लाख। सलाम वालेकुम। सर जी क्या कह रहे हो इसके? इसका 2 लाख रुपये। 2 लाख। और ये वाला? इसका भी 2 लाख। 2 लाख। क्या मांग रहे हो भाई इसके? 1 साल। 1 साल।
ये भी तुम्हारा? नहीं मेरे ये वाले बड़े। और ये वाला? ये वाला 220। ये नाजमात का क्या चल रहा है भाई? नाजमात का क्या चल रहा है इस टाइम से? 4,000 से 5,000, 4,500 और सदर? सदर का कम से कम 7,000। कम से कम 7,000 क्योंकि दूर है, मंडी बहुत दूर है। हाँ दूर हो गई है यार, पेट्रोल महंगा है। और वो बचत है नहीं है, वही गुजार रही है बस। से नाजमात का क्या किराया चल रहा है यार? मतलब चल रहे तकरीबन 4,000। सही। और औरंगी टाउन? औरंगी टाउन यार मैं एक बात बताऊँ, मैं इधर आया हूँ नया, पेशावर से आया हूँ। बस जो लोग दूसरा बताते कराया हूँ, फिर मैं बताता हूँ। तो पिछले साल आए थे? नहीं उससे पिछले साल आया था उस मंडी में। अच्छा अभी न्यू कराची गया हूँ, 6,000। न्यू कराची गए 6,000? सही है सही है, ठीक है मेहरबानी। ट्रक तो रेगुलर आ रहे हैं और जानवर भी आ रहे हैं। ये खाली जगह यहाँ पे मिली है और हो सकता है एक दो दिन में ये भी जगह भर जाए। जानवर सही हैं, अच्छे जानवर हैं, लेकिन भाई महंगे बहुत हैं, बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। और मंडी जानवर आ रहे हैं कंटिन्यूसली और ट्रक वगैरह भी आ रहे हैं कंटिन्यूसली। ये है कि फ़िलहाल अभी भरी नहीं है उस तरीके से, नहीं है मंडी। और शुरू शुरू में ही नज़र आएंगे आपको जानवर वगैरह, टेंट लगे हुए आगे से पूरी खाली पड़ी हुई है, ये पूरी खाली है। और तकरीबन 10 दिन और लगेंगे इसको भरने में। उन्होंने रेट का आइडिया देख लिया यहाँ पे रेट क्या चल रहा है और किस हिसाब की यहाँ पे मंडी है। फ़िलहाल अभी तो काफ़ी दिन है, पर फिर भी ट्राई करें, हो सकता है कोई लग लग जाए। और मैं ये भी प्रेफर करूँगा कि जो आपके एरिया में मंडी लगी हुई है उसको भी थोड़ा टच करो, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा लग चल जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करेगा। अल्लाह हाफिज़।